वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 7। वर्कशीट नंबर 7 में क्या है बेटा, देखो ध्यान से। हमें क्या करना है, समीकरण के बारे में पढ़ना है, एक गणितीय कथन। गणितीय कथन जिसमें बराबर का निशान होता है समीकरण कहलाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, ए एक्स जमा बी बराबर है 0, जहाँ पे ए और बी जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं और ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो जाएगा तो बेटा एक्स भी 0 हो जाएगा, और एक्स 0 हो जाएगा तो वो एक चर की समीकरण नहीं बनेगी। ठीक है, आप देखो। अब उसने बोला निम्नलिखित समीकरणों को कथन बनाइए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। कथन बनाना है तो बस आपने यहाँ पर लिखना है ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स में से 5 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखो सेकंड वाले में क्या लिख सकते हो, सेकंड वाले में क्या लिख सकते हो, x में 7 जोड़ने पर 40 मिलता है। ठीक है, आगे देखो तीसरे में क्या लिखना है, m के 2 गुने में 3 जोड़ने पर 56 मिलता है। ये आपने बस ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखो आगे, x का 1/5 करने पर y मिलता है, पर y मिलता है। आ गया सबको समझ। आगे देखो, x में से 3 घटाने पर 6 में से 3 घटाने और उत्तर को 6 से भाग करने पर क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। आ गया सबको समझ। अब आगे देखो, x के 2 गुने में 9 जोड़ने पर 27 मिलता है। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 7। आई होप सबको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।